بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك بیٹا. ابھی ہم نے سورہ نبا کی تلاوت سنی، تو اس کا ہم یہی ہے کہ اب یہ پورا سپارہ آلموسٹ مکی ہے، اور مکی جتنے بھی آیات ہیں ان میں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت پہ بات ہوتی ہے. یہاں پر بھی یہ عقیدہ آخرت کی نفی کر رہے تھے کہ یعنی وہ بڑی خبر نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کے سمجھایا کہ جب یہ ساری نشانیاں تم دیکھ رہے ہو
तो वो जो जिस ये बात की बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं होगी, वो लाजमी होगी, यानी क्यामत जो है वो लाजमी होगी, क्यामत का होना जरूरी है। और इसलिए भी कि जो भी इंसान करे, अच्छा करे बुरा करे, उसके लिए उसको जरूर ये सोचना चाहिए कि इसका जो भी ये कर रहा है ये बेमकसद अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। शुरू करते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये लोग किस चीज के बारे में पूछगिछ कर रहे हैं, उस बड़ी खबर के बारे में जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं, यकीन ये भी जान लेंगे, बिल यकीन इन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया। ये अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखा रहे हैं, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, और हमने तुम्हारी नींदों को आराम का सबब बनाया, और रात को हमने पर्दा बनाया, और दिन को हमने वक्ते रोजगार बनाया, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए, और एक चमकता हुआ रोशन चिराग सूरज पैदा किया, और बदलियों से हमने बकसरत बहता हुआ पानी बरसाया, ताकि उस दिन इससे अनाज और सब्जा उगाएं और घने बाग भी उगाएं। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन के सूर में फूंका जाएगा, फिर तुम फौज दर फौज चले आओगे, और आसमान खोल दिया जाएगा तो इसमें दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे, और पहाड़ चिल्लाए जाएंगे, बस वो सिराब हो जाए हो जाएंगे, बेशक दोजख घात में लगी है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, घात में लगी हुई है, सरकशों का वही ठिकाना है, और इसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, ना कभी इसमें ठंडक का मजा चखेंगे और ना पानी का, सिवाय गर्म खोलते हुए पानी और पीप के। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे अंजाम से बचाए, उनको पूरा पूरा बदला मिलेगा, उन्हें तो हिसाब की तवक्को ही नहीं थी और बेबाकी से हमारी आयतों की तकजीब करते रहे थे, हमने हर चीज को लिख कर शुमार कर रखा है, यानी इनकी एक एक नाफरमानी एक एक बदबख्ती को अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। और साफ जरा जब लिखा हुआ है तो लिखा क्यों जाता है, हिसाब देने या लेने के लिए, तो हमने हर चीज को शुमार कर रखा है, अब तुम अपने किए का मजा चखो, हम तुम्हारे अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, यकीनन परहेजगार लोगों के लिए कामयाबी है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, बागात हैं और अंगूर हैं और नौजवान कंवारी हम उम्र औरतें हैं, और छलकते हुए जाम हैं, वहां ना तो वो कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना झूठी बातें होंगी। शराब के साथ ही इंसान के दिमाग में आता है ना कि बेहूदगी होगी, तो वो शराब होगी, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि जो अक्ल में फतूर नहीं लाएगी, जुबान में फतूर नहीं आएगा, और इंसान की जुबान भी कंट्रोल में रहेगी, किसी किस्म की उसको बेहोशी और मदहोशी नहीं होगी। इनको तुम्हारे रब की तरफ से उनके नेक अमाल का ये बदला मिलेगा जो काफी इनाम है, अल्लाह हमें भी उन इनाम याफ्ता लोगों में शामिल करे। उस रब की तरफ से मिलेगा जो कि आसमानों और जमीन का है और जो कुछ इसके दरमियान में है, इन सब का परवरदिगार है और बड़ी बख्शिश करने वाला है, किसी को इसे बातचीत करने का इख्तियार नहीं होगा। जिस दिन रूह और फरिश्ते इकट्ठे किए जाएंगे, रूह से मुराद रूहुल अमीन हजरत जिब्रील है, और फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे, तो कोई कलाम ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाजत दे दे, और वो ठीक बात जुबान से निकाले। ये दिन हक है, अब जो चाहे अपने रब की तरफ नेक अमाल करके ठिकाना बना ले। हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया है और जुकन्ना कर दिया है। जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफिर कहेगा काश कि मैं मट्टी होता। इसमें यह है ना कि जब जानवरों को भी लाया जाएगा, और जिस जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, तो उनको भी कहा जाएगा बगैर सींग वाली को कि तू इससे बदला ले ले, जब वो बदला ले लेंगी तो फिर उनको कहा जाएगा मट्टी हो जाओ। तो अब उसको देख के तो काफिर ये कहेगा कि काश मेरा भी अजाब आज खत्म हो जाए और मुझे भी एक दफा सजा मिले, और उसके बाद मैं भी मट्टी हो जाऊं इन जानवरों की तरह, मैं जिंदा ना रहूं और ये बार बार का जो अजाब है उससे मैं बच जाऊं। بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاقة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جزاك اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. سورہ نازیات ہے، اس میں ایک تو یہی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ صورتیں ہیں جس میں اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، جن فرشتوں کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیوں کو کیسے پورا کرتے ہیں. دوسرا، مشرکین مکہ کی وہ اعتراض کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیسے اٹھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. پھر اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسلی تھا کہ فرعون جو کہ اتنا یہ تھا، سرکش تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے، جب وہ اپنی روش سے باز نہیں آیا تو اللہ نے اس کو کیسے غرق کیا. اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ کمزور قوم سے تھے، کمزور تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مضبوطی عطا کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کی نشانیاں بتائی ہیں، آسمان کی نشانیاں بتائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ایک بہت بڑی آفت ہوگی، اور جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، غرق ہو جائے گی، اس کو موت آ جائے گی. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پہلے اور دوسرے سور کے درمیان کہا جاتا ہے کہ 40 سال کا وقفہ ہوگا، واللہ عالم. اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ سرکشی کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، جیسے والی من خاف مقام ربی جنتان، ہم نے سورہ رحمان میں بھی پڑھا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں.
तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा कि उसके लिए जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल किया और अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। और ये क्यामत के बारे में जो आपसे पूछते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि आप इनसे कहो कि मुझे नहीं पता, इनका इल्म अल्लाह ताला के पास है। शुरू करते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम, यानी वो फरिश्ते, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया ना कि कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी रूह कब्ज की जाती है, तो ऐसे गोया के मशकीजा हो, उसका मुंह खोल दिया जाए और उसको जमीन पे लिटा दिया जाए, तो 1 सेकंड नहीं लगता उसका पानी सारा बाहर होता है। तो एक नेक लोगों की रूह तो ऐसे निकलती है, लेकिन जो बदकिरदार और फाजिर लोग होते हैं उनकी रूह जिस्म में छुपती है, फरिश्ते उसको मार पिटाई करके बाहर निकालते हैं, और वो इस हाल में निकलती है कि जैसे बहुत जख्मी हो चुकी होती है ना, जैसे कोई जानवर चूहिया कमरे में आ जाए, कोई इस तरह के जो जानवर नुकसानदेह कमरे में आ जाए, तो आप कैसे उनके पीछे पड़ जाते हैं, जूते मार मार के उसको बाहर निकालते हैं। तो यही हाल इसका उस रूह का होता है। तो डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम, बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम, और तैरते फिरने वालों की कसम जो अल्लाह की मजलिसों को ढूंढते फिरते हैं। आज हम भी एक अल्लाह की मजलिस लगा के बैठे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत के फरिश्ते भेज दे, अल्लाह तू हमारे दुआओं को कबूल फरमा, जो भी हम दुआ करते हैं इसको अल्लाह ये फरिश्ते आपके हजूर पेश करें, और आप इन सारी दुआओं को हमारी कबूल कर लें, हमारी दिल की नीयतों को भी जानते हैं आप, तो ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला इसको कबूल कर लें। और फिर वो दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम, यानी अल्लाह ताला का जैसे हुक्म आता है तो फौरन भाग के, तो अल्लाह के अहकामात को वो पूरा करने के लिए भागते हैं। फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी यानी जमीन, इसके बाद पीछे आने वाली पीछे आएगी, यानी एक के बाद दूसरा सूर जो दो फूके जाएंगे, और ये जलजले के आफ्टर शॉक्स जो होंगे, बहुत से दिल उस दिन धड़कते हुए होंगे, जिनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, कहते हैं कि क्या हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लुटाए जाएंगे, क्या इस वक्त जबकि हम वो सीधा हड्डियां हो जाएंगे, कहते हैं फिर तो ये लौटना बड़ा नुकसानदेह है, मालूम होना चाहिए कि वो तो सिर्फ एक ही खौफनाक डांट है कि जिसके जाहिर होते ही वो एकदम मैदान में जमा हो जाएंगे, यानी जब दूसरा सूर फूंका जाएगा ना तो कब्रें फट जाएंगी और सारे के सारे एकदम से मैदान हशर में पहुंचने की कोशिश करेंगे और फौरन भाग के उधर जाएंगे, और क्यों, क्यों उनके पीछे एक आग लगी होगी जो कब्रों में भी उनको लेटने नहीं देगी और इधर उधर भागने भी नहीं देगी। जिसके जाहिर होने में कोई जिसमें जाहिर जाहिर होते हैं कि वो एकदम ही, यानी जो क्यामत के जाहिर होते ही फौरन से ये मैदान हशर में जमा हो जाएंगे, या मूसा अलैहिस्सलाम की खबर तुम्हें पहुंची है, जबकि उन्हें उनके रब ने पाक मैदाने तुहा में भेजा था, पुकारा था कि तुम फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी इख्तियार कर ली है, उसे कहो कि क्या तू अपनी दुरुस्तगी चाहता है, फकुल हल लका इला अन तज़क्का, उसे पूछो जाके कि क्या वो पाक होना चाहता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो और ये कि वो तुझे तेरे रब की राह दिखाऊं, वाहदिया का इला रबी का फतख्शा, मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाता हूँ जिस पे जाके तू डरेगा, तेरा दिल जो है वो खौफजदा होगा, ये तेरा शिर्क, ये जो तेरा घुमंड है, तकब्बर है, ये खत्म हो जाएगा। तो उसने से डर के तू उससे डरने लगे, बस उसे बड़ी निशानी दिखाई तो उसने जुटलाया और नाफरमानी की, फिर पलटा दौड़ धूप करते हुए, फिर सबको जमा करके पुकारा, तुम सबका रब मैं ही हूँ, अन फकाला अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही तेरा सबसे बड़ा रब हूँ, तुम सबका रब हूँ, तुम तो सबसे बुलंद बाला, अल्लाह ने भी उसे आखरत के और दुनिया के अजाब में गिरफ्तार कर लिया, दुनिया में ही वो अजाब में गिरफ्तार हुआ और आखरत का अजाब तो पक्का है उसका, बेशक उसमें उस शख्स के लिए इबरत है जो डरे, यानी इस वाकये में फिरौन की फिरौनियत में ये इबरत है, निशानी है कि जो जिसके दिल में खौफ हो, क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या आसमान का, अल्लाह ताला ने उसे बनाया, उसकी बुलंदी ऊंचाई की, फिर उसे ठीक ठाक किया, उसकी रात को यानी ये जो आसमान है उसकी रात को तारीक और दिन को रोशन बनाया, और उसके बाद जमीन को हमवार बिछाया और इसमें पानी और चारा निकाला, यानी जमीन की निशानियां, जमीन में से चारा और पानी निकाला और पहाड़ों को जमीन में मजबूत गाड़ा, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए है, बस जब वो बड़ी आफत यानी कियामत आ जाएगी, जिस दिन इंसान अपने किए हुए कामों को एक एक काम याद करेगा, जैसे अल्लाह माफ करे अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, कोई भी तकलीफ का वक्त आता है तो फिर कैसे एक एक लम्हा एक एक चीज याद आती है, तो ये सबसे बड़ा तकलीफ का दिन जो है वो कियामत का दिन होगा, तो इसलिए एक एक काम को याद करेंगे, और देखने वाले के सामने जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी, तो जिस शख्स ने सरकशी की होगी और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी होगी उसका ठिकाना जहन्नम है, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम।
हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोके रखा होगा जिसने, तो उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। लोग आपसे क्यामत के वाकया होने का वक्त दरियाफ्त करते हैं, आप उनको उनको बताइए कि उस बयान से उनको क्या लेना, इसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह ताला ही जानता है। इनसे कहो कि मुझे इससे क्या गर्ज, मैंने उसको क्या करना है, वो अल्लाह के पास है, अल्लाह ने अपना इल्म अपने पास रखा हुआ है। आप तो सिर्फ उससे डरने वाले वालों को आगाह करने वाले हैं, यानी सरकश और नाफरमानों को आप नहीं डरा सकते, आप उन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। जिस रोज ये सब उसे देख लेंगे यानी कियामत को, तो ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का आखिरी हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही दुनिया में रहे हैं। بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. جزاك اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک بیٹا. یہ سورہ عبس ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے شان نزول میں یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بار کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے تھے، ان کو دعوت و تبلیغ دے رہے تھے اور وہ لوگ تھوڑی سی بات توجہ سے سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ان کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے. تو اتنے میں یہ ایک نبینا صحابی تھے اور حضرت خدیجہ کے رشتے داروں میں سے بھی تھے. تو اصل میں تو یہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کی کوئی تذلیل نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بے توجہی کا مظاہرہ کیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ آئی. اور یہ تنبیہ اصل میں یہ مشرکین مکہ کے لیے ہے کہ وہ اس چیز کو ریلائز کریں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اس کی بات مانتے ہیں.
फिर इसमें इंसान की तखलीक और ये कुरान के बारे में ये बताया गया है कि ये किस तरह से आया है, फिर इंसान की तखलीक और उसका अंजाम बताया गया है, फिर जमीन में जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि इसको इस पे गौर करो, आसमान की निशानियों पे गौर करो, और फिर क्यामत के दिन के बारे में। ये जो आप 30th वाला जो आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि एक ही मजमून है, एक ही सूरह बार बार रिपीट की जा रही है, क्योंकि इसमें तौहीद, रिसालत और आखरत, जन्नत और जहन्नम, ये चीजें जो है ये मौजू बहस हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, वो तुर शुरू हुआ और अपना मुंह मोड़ लिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक नबी ना आया आया, तुझे क्या खबर कि शायद वो संवर जाता या नसीहत सुनता और उसे नसीहत फायदा देती, जो बेपरवाही करता है उसकी तरफ तो तू तवज्जो देता है। इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि जो पूछ के तलब के तड़प के साथ आए उसका पहले हक है, और तबलीग करें लेकिन उन लोगों को जो पहले पूछना चाहते हैं उनका ज्यादा हक है, दूसरे लोगों को बाद में बताया जाए, चाहे वो पूरी दुनिया के बादशाह क्यों ना हो। और ये है कि जो दावत देने वाला दाई होता है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उसके बाद जितने भी दाई हैं, उनके जिम्मे सिर्फ नसीहत करना है, बाकी उस पर कोई अमल करना चाहे कोई करे या ना करे वो उसका अपना फायदा है। तो नसीहत करना है, जबरदस्ती किसी पर नहीं कर सकते। तो उसकी तरफ तो यानी जो बेपरवाही करता है तू उसकी तरफ तो बड़ी तवज्जो करता है, हालांकि उसके ना संवरने से तुझ पर कोई इल्जाम नहीं, यानी अगर वो बाज नहीं आते, नहीं वो अपने आखरत बेहतर करते तो उनका नुकसान है। और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आता है और वो डरा हुआ भी आ रहा है तो तू उससे बेरुखी बरतता है, ये ठीक नहीं है। कुरान तो नसीहत की एक चीज है, जो चाहे इससे नसीहत कबूल करे। इससे मुराद ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी कोई तजलील करने के लिए, सिर्फ ये था कि ये अपने हैं, इन्होंने ईमान कबूल किया हुआ है और ये लोग वो हैं कि जो दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि मुखालफत में है, तो आज थोड़ी सी बात सुनने के लिए तैयार हो गए हैं तो इनको पहले बात सुनाई जाए। तो ये ठीक नहीं, कुरान तो नसीहत की चीज है, जो चाहे इससे नसीहत ले। ये तो एक अजीम शान सहीफों में किताब है, यानी सहीफ अजीम सहीफे हैं और जो बुलंदो बाला पाक साफ है, ऐसे लिखने वालों के हाथ में है जो बुजुर्ग और पाकबाज हैं। अल्लाह की मार इंसान पर, ये कैसा नाशुक्रा है, उसे अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया, यही सोचे कि अब नाशुक्री इस तरह से करता है, बड़ी बातें बनाता फिरता है, सोचे तो सही कि किस चीज से इसको पैदा किया गया है, इसे एक नुतफे से, फिर अंदाजे पर रखा इसको, यानी एक नुतफा और उसको फिर एक अंदाजे पर रखा, यानी उसका एक टाइम था उसके बाद ये इंसान बना, फिर इसके लिए रास्ता आसान किया, पहले भी रास्ता आसान किया और उसके बाद ये पैदाइश के वक्त भी, और फिर उसके बाद हदायत का रास्ता जो है वो भी बहुत आसान है, इस्लामिक जो हमारी तालीमात हैं वो भी बहुत आसान है, उन पर अमल करना जरा भी मुश्किल नहीं बल्कि आसानी का बायस है, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन शैतान ने मुश्किलात को हमारे लिए आसान करके बनाया हुआ है और जो आसान चीजें हैं वो हमारे लिए मुश्किल कर बना के पेश करता है, लिहाजा हम उनसे इज्तनाब कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि हम सोचे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ऐसे लिखने वालों के हाथों में है जो बुजुर्ग और पाकबाज हैं, अल्लाह की मार इंसान पर कैसा नाशुक्रा है, इसे अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया, एक नुतफे से, फिर अंदाजे पर रखा इसको, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया, फिर उसे मौत दी और फिर कब्र में दफन कर दिया। यही तो टोटल कहानी है कि पैदा हुआ, जो थोड़ा सा टाइम है वो रहा और उसके बाद कब्र की नजर हो गया, फिर जब चाहेगा उसे जिंदा करेगा, हरगिज नहीं, इसने अब तक अल्लाह के अहकाम की बजावरी नहीं की, यानी अभी तक इसका हाल ये है, मौत के करीब पहुंच चुका हुआ है। और मौत का तो हमें नहीं पता ना कि जब हम पैदा हो चुके हैं तो उसके बाद मौत के बहुत करीब है, एनी टाइम मौत आ सकती है। तो अब ये क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं इसने अभी तक वो अहकाम जो है वो मेरे पूरे नहीं किए। इंसान को चाहिए कि अपने खाने को देखे, गौर व फिक्र करना चाहिए, हर हर चीज में गौर करना चाहिए और इसलाह के पॉजिटिव पॉइंट में करना चाहिए कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर फाड़ा जमीन को अच्छी तरह से, फिर उसमें से चार अनाज उगाए और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर, यानी आप देखें कि अंगूर और तरकारी जो है बेले ही हैं, एक बेल जो है तरकारी की बेल जो है उसमें जो फल लगते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, बहुत कम होते हैं जिनको आप कच्चा खा सकते हैं, और अंगूर और फल वो होते हैं कि जो उसी जमीन में होते हैं, बेलों की शक्ल में होते हैं, लेकिन कितने मीठे और लजीज होते हैं। और जैतून और खजूर का भी यही हाल है, और गंजान बागात बनाए और मेवे और घास चारा उगाया,
तुम्हारे इस्तेमाल के लिए फायदे हैं और तुम्हारे छुपाओं के लिए भी इसमें फायदे हैं। बस जबकि कान बहरे कर देने वाली कियामत आ जाएगी, जब सूर फूंका जाएगा ना, तो उसकी आवाज हल्की की सी बांसुरी की आवाज से शुरू होगी और यहाँ तक कि वो इतनी तेज हो जाएगी कि कानों के पर्दे उससे फट जाएंगे। थोड़ा सा शोर हो तो हम कानों पे हाथ रख लेते हैं ना कि हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। जहाज वगैरह में बैठते हैं तो आप देखिए कितना वो होता है, उसमें कॉक्स वगैरह डालते हैं और उसके अलावा भी हाथ भी रखते हैं कि आवाज ना जाए और हमारे कान डिस्टर्ब ना हो। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि कानों को बहरा कर देने वाली वो कयामत आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि इन्हीं की वजह से दुनिया की जिंदगी उसकी बर्बाद हुई होगी, और इन्होंने यानी ये सारे रिश्ते जो हैं उसने उसको पैसे की मशीन समझा होगा, उसको हदायत की तरफ आने की सोचने का मौका ही नहीं दिया था। तो अब वो उस दिन उनसे दूर भागेगा कि अब कहीं आके ये और ना कुछ मुझसे मांग ले। और अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुख़रफ़ में फरमाया है कि सिर्फ मुत्तकीन ऐसे होंगे कि चाहे वो दोस्त हूँ, चाहे वो बहन भाई हूँ, चाहे वो वालदैन औलाद हो, कोई भी रिश्ता हो, तो वो एक दूसरे को याद करेंगे, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे बल्कि वो एक दूसरे को याद भी करेंगे। और इसमें सूरह सफात में हम देखते हैं कि एक बंदा वो जन्नत में जब बैठा होगा अपने मजे में होगा तो फिर उसको अपना एक दोस्त याद आएगा और कहेगा कि मेरा एक दोस्त होता था जो कि मेरे साथ कहता था कि ये क्या तुम आखिरत को लेके बैठे हो, इस तरह की बातें करता था। तो फिर अल्लाह ताला उसको दिखा देंगे डायरेक्ट पर्दा जन्नत का, जहन्नम का पीछे करके, कि वो जहन्नम की तह में बैठा हुआ होगा। तो वो फिर फौरन से इस्तग़फ़ार करेगा, शुक्र है कि मैं बच गया, मैंने इसकी बात नहीं मानी। तो ये है कि ये जब क्यामत क्या वाले दिन जो है, ये रिश्ते जो हैं जो सारे मोहब्बत के रिश्ते हैं इस दुनिया में, तो उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। हाँ, ये या दूसरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं सारे अगर नेक होंगे तो फिर वो एक दूसरे को जरूर याद करेंगे। उनमें से हर एक को उस दिन एक ऐसी फिक्र दामनगीर होगी जो उसके लिए काफी होगी। उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, जो हंसते हुए और हशाश बशाश होंगे, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूदा और उदास होंगे जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी, और यही काफिर किरदार और बद किरदार लोग होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदा शम्सु कुवरत वइदा नुजूमु कदरत वइदा जिबालु सुयिरत वइदा अशआरु उत्तिलत वइदा अलवुहूशु हुशिरत وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجواد الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هم على الغيب بضنين وما هم بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون
إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. جزاك الله خير بیٹا. یہ سورۃ تکویر ہے اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ جو دو سورتیں جو ہیں اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت یعنی سورۃ تکویر اور سورہ انفطار کو پڑھے تو قیامت اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے نا کہ وہ دودھ بھی دینے والی ہوتی ہے اور بچہ بھی دینے والی ہوتی ہے اس لحاظ سے. اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گھاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں ماری گئی ہو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ اس کے بدبخت والدین سے نہیں پوچھیں گے بلکہ ان سے کہیں گے کہ جو ہے نا تم بتا دو کہ تم کس جرم میں ماری گئی ہو, کس جرم میں انہوں نے تمہیں قتل کیا ہے. اس والدین کو اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی کرنے کو پسند نہیں کریں گے. اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جب جہنم بڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہے, اپنے کرتوت اس کو پتہ چل جائیں گے. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی, چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی, اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے, یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے. یعنی نبی کریم یہ حضرت جبریل جو ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایک بزرگ ہستی ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں اور جو قوت والے ہیں اور عرش والے یعنی اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتے ہیں, جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے. سردار ہے نا تو جو احکام ہوتے ہیں وہ ان کو نافذ کیا جاتا ہے, ان کے احکامات کو مانا جاتا ہے. امین ہے اور تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں, اس نے اس فرشتے کو کھلے آسمان پر دیکھا ہے, دیکھا بھی ہے, اور یہ غائب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے نہیں کام لیتے کہ کچھ جو خیر والی چیزیں ہیں وہ چھپا کے اپنے لیے رکھ لیں اور جو خیر نہیں ہے وہ دوسروں کو بتا دیں, جن میں کم نفع ہے وہ لوگوں کو بتا دیں, ایسا نہیں ہے. اور یہ شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے. تم کدھر جا رہے ہو, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر الٹے جا رہے ہو. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے, بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے. اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہ کچھ بھی نہیں سکتے, یعنی چاہت بھی نہیں تم کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چاہت کی توفیق دے, اپنی محبت کی توفیق دے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे झड़ जाएंगे और जब समंदर बह निकलेंगे और जब कब्रें शक करके उखाड़ दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स अपने आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए यानी अगले पिछले अमाल को मालूम कर लेगा। ए इंसान, तुझे तेरे रब करीम के बारे में किस चीज ने धोखे में डाला? या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो करीम रब के बारे में तुझे किस चीज ने धोखे में डाला कि उसको छोड़ के तू शैतान के पीछे लग गया? जिस रब ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया, फिर तुझे दुरुस्त किया और बराबर बनाया, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये जोड़ी है ना, हमारे जिस्म को जो स्ट्रक्चर है उसका देखें कि कितना खूबसूरत बनाया। ग्रिप कर सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, मूव कर सकते हैं एक मुनासिब जगह पे, बाजू जिस्म के पूरे जिस्म को मूव कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं ये कितनी मजबूत भी बनाई, छोटे से पाँव और उसके ऊपर कितना बोझ है और वो उनको लेके चलते हैं, और ये जोड़ कितने नाजक, और ये हाथों के पोर ही आप देखें कि अगर ये अगर इस साख के ना होते तो कितने अजीब से लगते। सुबहान अल्लाह वा बिहम्दिही सुबहान अल्लाह लज़ीम। हरगिज नहीं, बल्कि तुम तो रोजे जजा व सजा को झुटलाते हो। यकीनन तुम पर निगेबान इज्जत वाले मुकर्रर हैं, दिखने वाले हैं, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। यकीनन ये जिनको किरामुन कातबेन हम कहते हैं ना, तो ये उन दो फरिश्तों की बात हो रही है जो एक भलाई और बुराई को लिखने वाले हैं। यकीनन नेक लोग जन्नत के ऐशो आराम और नेमतों में होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, और यकीनन बद किरदार लोग दोजख में होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, बदले वाले दिन इसमें जाएंगे, वो इससे कभी गायब ना हो पाएंगे। तुझे क्या खबर कि बदले का दिन क्या है? मैं फिर कहता हूँ कि तुझे क्या पता कि जजा और सजा का दिन क्या है? वो है जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के किसी तरह कभी कोई मुख्तार ना होगा, कोई काम ना आएगा। यौमा दिल ला तमलिकु नफ्सुल्ली नफ्सिन शैया, किसी इंसान को दूसरे इंसान के बारे में कोई इख्तियार नहीं होगा और तमाम तरह अहकाम उस रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही होंगे। بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم
يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون جزاك الله خير بیٹا، ما شاء الله، بارك الله فيك. اس سورہ مطففین ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے نا، تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جو ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور یہ ناپ تول میں کمی جو ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمران کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. تو آج دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ناپ تول میں کمی، اور اس کے نتیجے میں ریزلٹ جو ہمارے سامنے ہے. اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ، جیسے ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظلم کرتے ہیں. جن چیزوں سے ان کو روکا جاتا ہے وہ کام جب کرتے ہیں تو سزا کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں. صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اور ایک بات یاد رکھنی ہے ہم نے کہ یہ ناپ تول کی کمی جو ہے نا، یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں، خرید کے جو چیزیں لیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ حقوق میں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں، فرائض میں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں، چاہے انسانوں کے حقوق ہوں، چاہے نمازوں کے حقوق ہوں، چاہے روزے کے حقوق ہوں، چاہے حج عمرے کے حقوق ہوں، تو ان سب کے ساتھ نا ہم ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو نظر میں رکھیں. صرف وہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دال لینی ہے، سبزی لینی ہے، گوشت لینا ہے تو اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی، بلکہ یہ ساری چیزوں میں کمی پیشی ہوتی ہے. تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بڑی خرابی ہے، تباہی ہے، بائلن تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی دیتے ہیں. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، کچھ لوگ پاؤں سے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ سینے تک، کچھ کانوں تک، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے سر کے اوپر سے بھی پسینہ، پسینے کے دریا میں وہ بہ رہے ہوں گے. تو پسینے پتہ ہے اس سے سمیل بھی ہوتی ہے،
और कराहियत सी भी होती है, अपना ही पसीना हो तो उसे कराहियत हो रही होती है, तो सोचें कि फिर वो क्या वो जबरदस्त अजाब वाला दिन होगा, कितना तकलीफ दे दिन होगा उनके लिए। यकीनन बद किरदारों का नाम है अमाल सिज्जीन में है, तुझे क्या पता कि सिज्जीन क्या है, ये तो एक लिखी हुई किताब है, उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है। यानी हर बंदे की अपनी जो किताब है उस समेत उसको सिज्जीन में कैद किया जाएगा, और जो जजा और सजा के दिन को जुटलाते थे, सिर्फ उसे वही जुटलाता है जो हद से आगे निकल जाने वाला और गुनाहगार हो। जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये अगलों के अफसाने हैं, यूं नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला कहते हैं जंग चढ़ गया है। जब एक गुनाह करते हैं ना तो एक धब्बा लग जाता है, और जब उसको इस्तगफार करके या सदका करके धोते नहीं है तो फिर दूसरा करते हैं तो फिर धब्बा, इस तरह से करते करते दिल जो है पूरे का पूरा स्याह हो जाता है। ये हदीस का मफहूम है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, सहाबा ने पूछा ना कि दिलों के जंग को किस चीज से उतारा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो और कुरान की तलावत ज्यादा से ज्यादा करो। और स्पेशली जब हम ये मक्की सूरतों की तलावत करते हैं ना, तो जो आखरत का अंजाम बताया गया है, जन्नत और जहन्नम से जो डराया गया है, मैदान हशर से जो डराया गया है, ये बड़ी कारामद चीज होती है, इससे इंसान के अमल में बड़ी तब्दीली आती है। अच्छा, जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये अगलों के अफसाने हैं, यूं नहीं बल्कि इनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से जंग चढ़ गया है, हरगिज नहीं ये लोग इस दिन अपने रब की मुलाकात से ओट में रखे जाएंगे, यानी रब के सामने नहीं होंगे बल्कि लामहजूबून, पर्दे में रख दिए जाएंगे। फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंके जाएंगे, फिर कह दिया जाएगा कि यही है वो जिसे तुम जुटलाते थे, यानी क्यामत का दिन। यकीनन यकीनन नेकोकारों का नामा अमाल इलियीन में है, और तुझे क्या पता कि इलियीन क्या है, वो तो एक लिखी हुई किताब है, मुकर्रब फरिश्ते उसका मुशाहिदा करते हैं। यकीनन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, मुसैरियों पर बैठे देख रहे होंगे तो उनके चेहरों से नेमतों की तरोताजगी से तू उन्हें पहचान लेगा। ये लोग मोहर बंद खालिस शराब पियेंगे जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी, सबकत ले जाने वालों को इसी में सबकत करनी चाहिए। फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, अगर किसी ने कोशिश करनी है तो इस जन्नत के तरफ जाने के लिए कोशिश करे, सबकत ले जाए, और उसकी आमेजिश तस्नीम की होगी, यानी वो चश्मा जिसका पानी मुकर्रब लोग पियेंगे वो खुशबूदार होगा, ठीक है, आमेजिश उसमें तस्नीम की होगी। गुनाहगार लोग ईमानदारों की हंसी उड़ाया करते थे और उनके पास से गुजरते हुए आपस में आंखों के इशारे करते थे, और जब अपने अपने वालों की तरफ यानी अपने जैसे अपने घर वालों की तरफ जाते थे तो दिल लगियां करते हुए जाते थे, और जब उन्हें देखते थे अहले ईमान को तो कहते थे कि ये लोग गुमराह हैं बेरारू हैं, और ये उनके अल्लाह कहते हैं कि ये उन पर कोई पासवान बनाकर नहीं भेजेंगे, बल्कि आज ईमान वाले उनके इन काफरों पर हंसेंगे, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे कि अब उन मुनकरीन ने जैसा ये किया था अब पूरा पूरा उनको बदला उन्होंने पा लिया है। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. है और इसमें हम क्यामत का दिन उसके बारे में पढ़ेंगे, योम हिसाब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हमें तर्जमे से ही चीजें जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी, इसलिए हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा, यानी जब हुक्म होगा फौरन फट जाएगा। ये नहीं है कि हुक्म हो और वो सुनी अनसुनी कर दे और कहे कि नहीं कोई बात नहीं बाद में देखा जाएगा, नहीं, वो कान लगाए हुए है, यानी अल्लाह ताला के हुक्म पर कान लगाए हुए है और जैसे हुक्म दिया जाएगा फौरन वो अताज करेगा और उसी लायक है वो, यानी ये उसका यानी उसकी ये जो आसमान और जमीन और ये सारी चीजें जितनी भी है ना, ये अल्लाह ताला की इतनी ताबेदारी करती हैं, ये उनका हक भी बनता है कि वो इसी तरह से करें। और जब जमीन खींच कर फैला दी जाएगी और उसमें जो कुछ है वो उसे उगल देगी, ये भी है ना कि जमीन जो है उसकी ऊंच नीच सब बराबर कर दी जाएंगी और जहाँ से नीची है वो भी ऊपर हो जाएगी। और जो है जैसे आप एक चादर होती है ना बेडशीट, तो आप उसको एक कोने चारों कोनों से पकड़ के उसको सीधा कर देते हैं, इसी तरह से जमान जमीन जो है वो भी सीधी कर दी जाएगी और इसमें कोई सिलवट नहीं रहेगी और इसमें जो है वो उसे उगल देगी और खाली हो जाएगी और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी और उसी के लायक वो भी है, यानी उसके कान लगाए कि मतलब वो भी हुक्म की मुंतजिर है। जैसे ही हुक्म होगा तो जैसे कान लगा के नहीं बंदा सुनता, उस काम को सुनता है जो फौरन करना चाहता है, तो ये फौरन अपने हुक्म को अल्लाह ताला के हुक्म को मानेगी। ऐ इंसान, तू अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मिन्नतें कर करके उससे मुलाकात करने वाला है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, आहिस्ता आहिस्ता घसीटते घसीटते चलते चलते तू अपने रब से मुलाकात की तरफ जा रहा है। आज हम बर्थडे बच्चों की मनाते हैं, खुश हो रहे होते हैं, केक काट रहे होते हैं, सारा कुछ, और जो शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो एहसास करना चाहिए कि पिछले साल में हमने क्या खोया क्या पाया, वो हमारे अंदर नहीं होता। हम तो खुशियां मना रहे होते हैं ना, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ इंसान, आहिस्ता आहिस्ता तू अपने रब से मुलाकात के करीब होता जा रहा है, तो उस वक्त जिस शख्स के नामाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहलो आयाल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा। और हाँ, जिस शख्स का नामाल उसकी पीठ पीछे से दिया जाएगा, हाथ आगे का आगे से हाथ से देने के लिए फरिश्ते आएंगे ना, तो वो अपने हाथों को पीछे कर लेगा, तो ये समझेगा कि नामाल अब नहीं पकड़ना पड़ेगा लेकिन पीछे से ही उसको पकड़ा दिया जाएगा जबरदस्ती। तो वो मौत को बुलाने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा। जब भी कोई परेशानी होती है तो कहते हैं ना, इससे तो बेहतर है मौत ही आ जाए, तो फिर वो क्योंकि सबसे मुश्किल तरीन दिन है उस दिन वो मौत की तमन्ना करेगा, तो और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। ये शख्स अपने मुतल्लकीन में, यानी जो उसके अहलो अयाल थे उनमें खुश था, यानी उन्हीं को खुश करने में उन्हीं की खुशियों के लिए वो उसने जिंदगी गुजार रहा था। उसका ख्याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर ही ना जाएगा, उसको लगा था कि यही मेरे बीवी बच्चे मेरे बहन भाई मेरे खानदान बरादरी, इन्हीं में मैं जो मुझे इज्जत दे रहे हैं और जो जो मुझे जिसे हासिल करना चाह रहे हैं फायदा, तो इसी तरह से ये रहेगा और मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो अब क्यों नहीं, हालांकि उसका रब उसे बखूबी देख रहा है, मुझे शफक की कसम और रात की और उसके जमा करदा चीजों की कसम और चांद की जबकि वो कामिल हो जाए, और
यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत में पहुंचोगे, यानी जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीजें एक साथ नहीं रही ना, तो इसी तरह से तुम चलते चलते उस दिन की तरफ आओगे। यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत में पहुंचोगे, उन्हें क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। सजदा तलावत है यहाँ पर। बल्कि जिन्होंने कुफर किया वो जुटला रहे हैं, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में रखते हैं। इन्हें अलमनाक अजाबों की खुशखबरी सुना दो। हाँ, ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को बेशुमार और ना खत्म होने वाला अजर है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम।